उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 2019 में जिस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से दोगुनी सीटें हासिल की, जाहिर है कि उसका उत्साह भी अखिलेश यादव से दोगुना होना चाहिए था। लेकिन हकीकत कुछ और है। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में समाजवादी पार्टी के 5 सीटों के मुकाबले 10 सीटें जीतकर भी 2024 के लिए एक रहस्यमय चुप्पी का आवरण ओढ़ रखा है। ऐसा क्या हो सकता है जिसके चलते बीएसपी ने अभी तक न रैलियां सभाएं भी शुरू नहीं की है और न ही बीएसपी ने अपने कैंडिडेट्स की कोई लिस्ट ही जारी की है। तो क्या इस रहस्यमयी शांति के पीछे कुछ खास है जिसके पत्ते चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ही पार्टी खोलने वाली है? तो क्या मान लिया जाए कि मायावती की बातचीत इंडिया गठबंधन से हो रही है? मामला पीएम कैंडिडेट्स बनने को लेकर फंसा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी संभावना के पीछे कौन से आधार काम कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस की ओर से पीएम कैंडिडेट बन जाती है तो कम से कम 5 साल के लिए पार्टी को एक जीवन दान मिल सकता है। पहली बात तो ये कि उनके पीएम कैंडिडेट बनने से वो देश की राजनीति में हाईलाइट एक तरीके से हो जाएंगे और इस कारण उनके पिछड़े कोर वोटर्स एक बार फिर उनके साथ आ सकते हैं। उनके जो कोर वोटर पिछले चुनाव में बीएसपी को खत्म मानकर दूसरी पार्टियों को वोटिंग करना शुरू कर रहे थे, वो एक बार फिर से उनके साथ आ सकते हैं। हो सकता है कि देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर उनका समुदाय एकजुट होकर मायावती के लिए वोटिंग करे। पार्टी में जो भगदड़ की स्थिति बनी हुई है उस पर लगाम लग सकती है। 2019 के आम चुनावों में पार्टी को लगभग 22% वोट मिले। पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के वोट शेयर में 10% की भारी गिरावट देखी गई। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए केवल 12.8% वोटों को पाने में बीएसपी कामयाब हो सकी और ये पार्टी के 1993 में अपने गठन के बाद अपने पहले चुनाव में मिले वोटों से थोड़ा ही अधिक था। 1993 से 2022 के बीच बीएसपी को यूपी में कभी भी 19% से कम वोट नहीं मिले। मतलब साफ है कि 2022 के बाद पार्टी में गिरावट का दौर जारी है। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी जब वो दलितों और ऊंची जातियों के व्यापक गठबंधन के साथ 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में आईं तो भी पार्टी ने 30.7% वोट हासिल किए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी को यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी तब भी उनका वोट शेयर 19.77% था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीएसपी ने 19 सीटें जीती तब वोट शेयर 22.23% था। जाहिर है कि पार्टी को अपने घटते वोट शेयर की चिंता है। इसके लिए इंडिया गठबंधन की ओर से आने वाले पीएम कैंडिडेट के अवसर को मायावती कतई छोड़ना नहीं चाहेंगी। भले ही उनको पीएम बनने की उम्मीद ना हो पर उनके लिए बेहद फायदेमंद सौदा साबित होगा। मायावती ने कुछ दिनों पहले अखिलेश को बहुत ही भला बुरा कहते हुए साफ कर दिया था कि वो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। उसके बाद अखिलेश का जो बयान आया था उससे इस बात के संकेत मिले थे कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में इस बात की चर्चा हो रही है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए उनको पीएम कैंडिडेट पद का ऑफर दिया जा सकता है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला करार दिया था। इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया और अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही थी। अखिलेश यादव ने बिना मायावती का नाम लिए कहा कि एक समय तो सपा ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का संकल्प लिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज की तमाम बुराइयों को हजारों साल उनका सामना किया। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की ओर से कई बार उन्हें पीएम पद का दावेदार बनाने की मांग होती रही। बीएसपी में किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं होती कि बिना सुप्रीमो की रजामंदी के वो उनसे संबंधित कोई बयान दे सके। आज तक इंडिया टुडे के सहयोगी चैनल गुड न्यूज टुडे से बात करते हुए बीएसपी के सांसद मलूक नागर ने डिमांड रखी थी कि उन्हें चुनाव आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा मायावती को बनाया जाए। मलूक नागर
कि इस बात को मायावती की पार्टी द्वारा विपक्षी इंडिया गुट में शामिल होने की शर्त के रूप में देखा जा रहा था। मायावती के करीबी माने जाने वाले मलूक नागर की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नागर ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन सचमुच बीजेपी को हराना चाहता है तो उसे मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मोदी को रोकना किसी गठबंधन के बूते का नहीं है। इंडिया गठबंधन को यह पता है कि राम मंदिर लहर को ध्यान में रखते हुए यूपी में बीजेपी के साथ मुकाबला करना आसान नहीं है। 2019 के चुनाव में जब बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ी और उसके बाद सुभाष पास, सपा और अन्य पिछड़े नेता भी साथ थे तो बीजेपी की आंधी को रोका नहीं जा सका। बीएसपी सांसद मलूक नागर कहते हैं कि 13% मायावती का वोट और विपक्ष का 37-38% इंडिया अलायंस का निर्णायक बढ़त दे सकता है, क्योंकि बीएसपी और विपक्ष का वोट मिलकर यूपी में बीजेपी को मिलने वाले 44% वोट से कहीं ज्यादा है। मलूक नागर की बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मायावती प्रधानमंत्री पद का चेहरा इंडिया गठबंधन की ओर से घोषित होती हैं तो ये तय है कि बीएसपी के कोर वोटर्स के 100% वोट इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे। लोकसभा चुनाव सिर पर है पर बीएसपी ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। बीजेपी ने राज्य में 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी 31 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी भी अपनी बची हुई सीटों पर कैंडिडेट्स की अभी तक घोषणा नहीं कर सकी है और इन दोनों पार्टियों की उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी इस बात की ओर इशारा करती है, इस आशंका को बल दे रही है कि इंडिया गठबंधन में तो कुछ चल रहा है अभियंदर खाने। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बीएसपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची लगभग फाइनल कर ली है। अब इंतजार किस बात का है यही सोचने वाली बात है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए गठबंधन हमेशा से फलदायी रहा है। 1993 में जब बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो 12 सीटों से मायावती की पार्टी 67 सीटों पर पहुंच गई। 1996 में बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन किया तो 3 लोकसभा सीटें जीत ली। 2022 में भी मायावती ने अकाली दल के साथ गठबंधन कर विधानसभा का चुनाव लड़ा और अपने वोट प्रतिशत के साथ 1 प्रत्याशी भी जिता लिया। पंजाब के अलावा मायावती ने 2018 में अजीत जोगी के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा, फायदे में रही। 2019 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ अपना नुकसान सहकर गठबंधन किया। चुनाव परिणाम में बीएसपी को कुल 10 लोकसभा सीटें मिली तो समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटों पर ही सफलता मिल सकी। मायावती इस बात को बहुत अच्छी तरीके समझती है, बस उन्हें अच्छे ऑफर का इंतजार है और पीएम पद की उम्मीदवारी से बेहतर ऑफर भला क्या हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया गया है कि मायावती गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए उन्हें मनाया जा रहा है और काफी हद तक बातचीत सफलता की ओर है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाने के पीछे सोनिया गांधी का दिमाग काम कर रहा है। उन्हीं की पहल पर प्रियंका गांधी ने इस बातचीत को आगे बढ़ाया। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के तहत मायावती को 25 सीटें मिल सकती हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो चुनाव अधिसूचना जारी होने के होते होते बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। फिर भी इस संबंध में जब तक मायावती की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं होता तब तक इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक के अंदर पक रहा है।